अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात, किताब है या हयातुल हैवान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही नेक और बुरगुजीदा पैगंबर हुए हैं। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन नबियों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इंजील मुकद्दस अता की गई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल दुनिया में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बे इंतहा अजीजी और अल्लाह ताला के हुजूर मोहब्बत इनायत की उम्दा मिसाल है। आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज वाकया बयान करेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से बराह रास्ते हुई, वैसे तो शैतान और उसके चेले कयामत तक लोगों के दिलों में बसबसे डालकर उन्हें गुनाहों पर उकसाते रहेंगे, लेकिन हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जैसी नेक हस्तियों का भी शैतान मलऊन से कई बार सामना हुआ है, जिनके किस्से हमें वाकयात की किताबों में मिलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात मजमून के हिसाब से ये जबरदस्त वाकया है, जिसकी तफसील बयान करने के साथ साथ हम आगे का मफहूम भी आपको समझाते रहेंगे। किताब हयातुल हैवान में रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं से हो रहा था, उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसके सामान लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये सामान क्या है? कहने लगा, ये मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब उसका ये जवाब तो हैरान करने वाला था, लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं तो तुमने इनमें सामान क्या क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है, इसमें जुल्म है। जुल्म? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जुल्म तुमने कैसे खरीदा? वह कहने लगा, बादशाह खरीदेंगे। दर हकीकत बादशाह तो अल्लाह ताला की अपनी अव्वल दर्जे की सिफत है, वह खुद भी बादशाह है और अपने खास और नेक बंदों को वो अपने शफात में से कुछ अता भी करता है, लेकिन इस शुमार में बहुत कम बादशाह जो नेक थे और अल्लाह से डरने वाले थे, फिर वो चाहे हमारे मुसलमान बादशाह हों या गैर मुस्लिम, या अगर इस बात को आसान अल्फाज में समझा जाए तो कह सकते हैं कि शायद ताकत का नशा बादशाह को उसके खुदा और दिल की नरमी से दूर कर देता है। तो शैतान ने जवाब दिया, मैं ये जुल्म बादशाहों को बेचूंगा, मुझसे ये जुल्म बादशाह खरीदेंगे और वो लोगों पर जुल्म करेंगे। दूसरे खच्चर में क्या है? उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें तकब्बुर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अब ये तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, ये तकब्बुर जमींदार लेंगे। जमींदार की मिसाल कुछ यूं है कि अगर वो भूखा भी है तो तकब्बुर उसमें ताजुर से ज्यादा होता है। मैं ये जुल्म जमींदारों को बेचूंगा, भाई बड़े तकब्बुर से अपने जमीनों पर ये कहते फिरेंगे ये जमीन हमारी है और लोगों पर जुल्म ज्यादती करेंगे। तीसरे खच्चर में क्या है? फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा अब यह बताओ कि तीसरे खच्चर में क्या है? वह कहने लगा, उसमें धोखा है, खयानत है, चक्रबाजी है। आप अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि ये तुमसे कौन लेगा? वो मलून बोला, ये मैं ताजिरों को दूंगा, दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा, वो अपने माल में खयानत करेंगे, चक्करबाजी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम अपने आज के दौर को बगैर मुलाहिजों फरमाले तो मुझे नहीं लगता कि किसी बात की ज्यादा वजाहत करने की जरूरत है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, कोई नेक भी होता है, लेकिन वो शायद लाखों में कोई एक होता होगा, उसके बाद आप। चौथे खच्चर में क्या है? आप अलैहिस्सलाम चौथे खच्चर की जानिब मुतवज्जेह हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वह कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि ये तुम किसे दोगे? शैतान बोला, ये मैं उलमाए कराम को दूंगा, दुनिया के जितने उलमाए कराम हैं मैं उनको हसद बेचूंगा, वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को बड़ा साबित करेंगे। दर हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज है, हम किसी को अपने से बेहतर देखकर हसद करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म है, हसद ना करो, ना हसद को सराहने वाले बनो।
जैसा कि हम देख लेते हैं कि फला बंदा हमारी किसी बात से हसद करता है तो हम उसे मजीद सताते हैं कि वह चिढ़ता रहे। उलमाए कराम फरमाते हैं, दुनिया में पहला गुनाह कोई शिर्क नहीं था ना ही कुफ्र था, बल्कि वह एक कत्ल था और उसकी वजह हसद थी। काबिल को हाबील से हसद हो गया और उसी ने उसी आग में जलकर हाबील का कत्ल कर दिया था। ये हसद ही है कि मैं अपने आप में नुमाया जाऊं और सबकी निगाहें मुझ पर रहें। तो शैतान ने कहा कि मैं ये हसद उलमाए किराम को दूंगा ताकि वो अपने अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे से हसद करेंगे। फिर पांचवे और आखिरी खच्चर में क्या है, उसके बाद अलैहिस्सलाम ने पांचवे और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया कि अब यह बता दो कि इस खच्चर में क्या है। वो कहने लगा इसमें मुकर है और ये मैं औरतों को दूंगा। यह औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदचलन और मक्कार औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकतों से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेंगी। तो ये वाकया था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान से हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजाहतें मौजूद हैं। हम तो नहीं कह सकते कि शैतान क्या ला रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत बख्शी थी जैसा कि उसने अपने और नबियों को इख्तियार अता किया। दोस्तों हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है और किसे दे रहा है, लेकिन हमें गौर करने की जरूरत है। आज भी मुआसरे में हमें दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को अपने दौर में लाते हुए देखा। तो दोस्तों ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे।